हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। टुडे वी हैव टू प्राइडी एनसीईआरटी बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर स्टार्टर। सो लेट्स स्टार्ट इट। 1731 में मैनी पीपल ऑफ बिश्नोई कम्युनिटीज सेक्रीफाइस देयर लाइफ सेविंग ट्रीज जोधपुर। नेक्स्ट इज 1770, प्रिस्टीज एक्सपेरिमेंट बाय बाली जावर माइस एंड माइट प्लांट कैंडल्स। 1774, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन बाय जोसेफ प्रिस्टली। 1774 में क्या प्रूव की गई थी? डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन बाय जोसेफ प्रिस्टली। 1838 में माल्थस शिल्डन ने सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था, और 1839 में भी थियोडोरे ने शोन सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था। 1850 में क्या था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोर वाइट विंग मोथ, उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, मोर जो वाइट विंग के मोथ हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। 1850 में इन पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। 1854 में क्या था? 1854 में क्या किया गया था गाइस? जूलियस वॉन सेथ ने प्रूव किया था दैट ग्लूकोज इज फॉर्मडिन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड एज स्टार्च। द नेक्स्ट इज 1855 में ओमनी सेलुला ने बाय रुडोल्फ विरकव एंड कंप्लीट द सेल थ्योरी। ठीक है, रुडोल्फ विरकव ने ओमनी सेलुला जो ला होता है उसे एक्सपेरिमेंट को दिखाया था एंड सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट इज 1855 एंड 1863, 1856 से 1863 में क्या किया गया था? मैंडल ने वर्क किया था ऑन गार्डन पेपर। नेक्स्ट इज 1860 में हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को डेवलप किया था बाय जूलिए बोनसेक्स ने। द नेक्स्ट इज 1865 में क्या था? मैंडल ने पब्लिश किया था इस वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। मैंडल ने अपने वर्क को इनहेरिटेंस की करेक्टर को जो है पब्लिश किया था 1865 में। इसी तरह आपको बाकी एनसीईआरटी बायोलॉजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर स्टार्ट है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गिव मी योर प्रीशियस सपोर्ट। ओके, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।